सही समझा इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है पहले मेरे डैड का दलदल में मिलना उनकी हालत आपने खुद अपनी आंखों से देखी राइट ऊपर से मिनिस्टर अंकल वो भी गायब है मिनिस्टर अंकल उस लड़की के डैड है जिससे मेरी शादी होने वाली थी बहुत परेशान है वो। अब हम दोनों को लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके अरे यार ये हो क्या है कोई घर से गायब हो जाता है

नहीं, नहीं मैं कहता ये प्यार भी क्या आफत है मिल जाए तो मुसीबत ना मिले तो भी मुसीबत मुसीबत ही मुसीबत हो गया आपका नहीं अब उसके डायट को ढूंढने पे ध्यान देंगे तो ज्यादा सही रहेगा अरे भाई साहब अब हम आ गए हैं तो ढूंढ भी लेंगे डोंट वरी रिलैक्स और हमारे बॉस तो है ही हमने इन्फॉर्म कर दिया अपडेट कर दिया है देखना जो भी पीछे है ना मतलब जो भी पीछे है इस कांड के वो आगे आके ही रहेगा देखना प्रथा ललित ने हमारा नाम क्यों नहीं बताया दीदी मैंने अपने देव अपनी शिवजी की शक्ति से उसे सम्मोहित कर दिया था इसलिए उसके साथ जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं या? तुमने उसको सम्मोहित कर दिया था हाँ दीदी करना ही पड़ा शेष नागिन के सम्मोहन की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकती इसलिए कभी ना कभी उसे सब याद आ जाएगा और हमारा सच भी सबके सामने बाहर आ जाएगा तो उसे मार देते हैं नहीं हम उसे अब मार भी नहीं सकते ऐसा क्या तो सारे घर वालों को शक होगा तो क्या करें अगर उसकी यादाश वापस आ गई तो ललित जी सब कुछ भूल गए सिर्फ तू उन्हें कैसे याद रह गए मैं उनकी पत्नी हूं मुझे देखकर आंटी बोल रहे हैं और तुझे देखकर बोलते हुए भी शर्म आ रही है हाय बेब्स उनके और बेरे बीच में क्या था कुछ नहीं दोस्त हैं हम देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे मुझे तो कुछ और ही लग रहा है क्या फर्क पड़ता है सीमा हम क्या थे और क्या नहीं वैसे भी इस वक्त हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे साफ पता चल रहा है ये हम दोस्त नहीं है एंड आई होप कि आगे चल के दुश्मनी हो मैं जा रही नहीं तुम नहीं जा सकते हे नाथों के नाथ भोलेनाथ हे नाग नागिनों के देव महादेव कोई रास्ता दिखाइए प्रथा असुर का अंत करने के लिए तुम्हें ही चुना गया है तो शिव जी तुम्हें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाएंगे अगर शिव जी ने तुम्हें चुना है मेरी जगह शेष नागिन के लिए तो उसकी एक वजह है फिलहाल हमारा निशाना ललित है और मेरी कड़ी नजर है उस पर चार चेहरे जो उस दिन चौपर में उड़े थे वो जरूर ललित से बात करने की कोशिश करेंगे हमें सतर्क करें रहना होगा दीदी एक बात बताइए उस दिन जब आप ललित के वो गुप्त कमरे में गए थे जहाँ वो चार चेहरे उसका इंतजार कर रहे थे और आपने कहा था कि आपके आने की आहट सुनते ही वो डर के भाग गए क्या उस गुप्त कमरे में आपको कोई सुराग मिला था नहीं मुझे वहां कोई सुराग नहीं मिला था लेकिन फिर मैंने दूसरे कमरे की तलाशी ली और वहां मुझे कुछ मिला तो मुझे एक तिजोरी मिली थी इंसान का पैसा या राज हमेशा तिजोरी में ही बंद होता है तो जब मैं वो तिजोरी खोलने गई वो खुली नहीं फिर मैंने देखा वो तिजोरी फिंगरप्रिंट से खुलती है इसका मतलब वो तिजोरी ललित के हाथ की उंगलियों के निशान से ही खुलेगी हाँ मुझे भी यही लगता है जल्दी घर चलिए दीदी मेरा दिल कहता है कि हमें उस तिजोरी में ही उन चारों चेहरों का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा आपने रास्ता दिखाई दिया शिव जी जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ मॉम पैकिंग हो गई चले चलो उर्वशी मेरी बात तो सुन कमाल है सीमा शब्दों के तीर मार मार के जान ले लेगी पर जाने नहीं देगी मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रुकूंगी और आंटी यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं है ना इस घर में हमारी कोई इज्जत है मॉम आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसके बावजूद आपके रहते हुए इनकी हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट मर गई यहाँ पे और आपने क्या किया कुछ नहीं ये कर भी क्या सकती है कुछ भी नहीं क्योंकि अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है और मैंने डिसाइड कर लिया है मैं जा रही उर्वशी उर्वशी मेरी बात तो सुन सुन ना जा रहे हैं आप बाहर माहौल ठीक नहीं है कहीं जगह कर्फ्यू लगा है कहीं जगह लॉकडाउन ऐसे में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होगा और आप अभी कैसे जा सकते हैं अभी तो मिनिस्टर अंकल आए भी नहीं एटलीस्ट जब तक वो नहीं आते तब तक तो रुक जाइए प्लीज रुक जाओ उर्वशी uh, रितेश बिल्कुल सही कह रहा है इस माहौल में तो बाहर जाएगी तो बहुत ही रिस्की है और वैसे भी ये घर तेरा ही घर है तो रुक जाना यहां बेटा मैं हूं तेरे साथ मुझे प्रता चाहिए और उसे मैं अपनी लाइफ में ला कर रहूंगा तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऋषभ चाहिए ना रीम अगर हम दोनों एक हो जाए तो वो जो है ना हमारे उन दोनों को हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं जी सर दीदी हमें किसी भी तरह वो तिजोरी खोलनी होगी आप कुछ भी करके किसी भी तरह ललित को कमरे में लेके आओ तब तक तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ मैंने अपनी केचली बदली थी और ऋषभ के आने के डर से मैंने जल्दी जल्दी में वो अलमारी में छिपा दी इससे पहले कि वो किसी और मुझे अलमारी से निकाल के उसे किसी और जगह छिपाना होगा हाँ